हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में टॉप 5 पॉपुलर जो स्कूटर्स हैं इंडियन मार्केट में, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यानी कि 5 पेट्रोल सेगमेंट में कौन से स्कूटर्स हैं जो कि पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं, सबसे ज्यादा लोग उसे खरीदना ही पसंद करते हैं, और इस स्कूटर के बारे में लोगों को काफी सारी जानकारी पहले से पता होती है और जिसके वजह से लोग इसे ज्यादा खरीदना भी पसंद करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वो 5 पॉपुलर स्कूटर्स हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस लिस्ट में 5th नंबर से स्टार्ट करेंगे। 5th नंबर पे 2 स्कूटर्स यहाँ पे शामिल है। एक आपको हीरो कंपनी की प्लीजर प्लस मिल जाता है और दूसरा जो मॉडल है होंडा कंपनी की डियो मिल जाती है। तो यहाँ पे प्लीजर प्लस की बात करेंगे। अगर आपको होंडा डियो पसंद आती है तो उसके साथ आप जा सकते हैं। प्लीजर प्लस में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। खासकर गर्ल्स को ये स्कूटर काफी पसंद आती है क्योंकि छोटे साइज में काफी सारे कलर ऑप्शन के साथ मिल जाती है। साथ ही कंपनी इसमें कुछ ना कुछ नए नए अपडेट करती रहती है जिसकी वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। हेड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर एलईडी हेड लैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। क्रोम के बेजल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें आपको बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही इसमें 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो कि 8.15 पीएस का पावर और 8.70 एनएम का टॉर्जन करती है। वहीं इसके फ्रंट और रियर में 90x90 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर भी दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ ऑप्शनल मिल जाती है। सीट के नीचे इसमें स्टोरेज मिल जाता है और इसकी जो फील फीलिंग है वो सीट के नीचे मिलती है जो कि थोड़ी सी कमी इस स्कूटर में लगती है। बाकी इसमें USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। माइलेज की बात करें तो 50 से लेकर 55 के एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। वहीं इसकी जो सीट की हाइट है 765 mm की है, तो छोटे हाइट की जो गर्ल्स हैं वो भी इजीली से चला लेती हैं। बाकी अब बात आती है कि इस प्राइस रेंज में मिल जाएगी, तो सबसे बेस्ट मॉडल का जो इसकी एक्सम प्राइस है 72,713 यानी कि 72,713 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 88,900 यानी कि 88,900 रुपये तक चली जाती है। वहीं इसकी जो टॉप मॉडल की एक्सम प्राइस है 83,763 यानी कि 83,763 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 101,400 रुपये तक चली जाती है। तो अलग अलग इसमें आपको वेरिएंट मिल जाता है जिसकी प्राइसिंग लगभग 90 से लेकर 1,00,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं जो 4th नंबर पे है, ये TVS कंपनी की आने वाली TVS Ntorq 125 है 125 सीसी में। इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें भी कंपनी काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट देती है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आता है, अपने अकॉर्डिंग लोग परचेस करते हैं। साथ इसमें 125 सीसी का इंजन मिल जाएगा जो कि 9.4 पीएस का पावर और 10.5 एनएम का टॉर्जिंग करती है। लेकिन इसका XP वेरिएंट लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा पावर जनरेट करती है, 10.2 पीएस का पावर जनरेट करती है, 10.8 एनएम का टॉर्जिंग करती है। साथ ही यहाँ पे फ्रंट में और रियर में आपको यहाँ पे 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ DRS देखने को मिल जाती है। इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको 60 से भी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। वहीं इसमें 1000 स्विच मिल जाता है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, पेट्रोल पीछे भरवा सकते हैं। माइलेज की बात करें तो 45 के आसपास यहाँ पे माइलेज मिल जाती है। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 775 mm है, तो थोड़ी सी इसकी हाइट प्लीजर प्लस के मुकाबले में ज़्यादा है। प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं। तो यहाँ पे इसके बेस वेरिएंट की जो प्राइस है 84,636 यानी कि 84,636 रुपये तक है, जिसकी ऑन प्राइस 1,151 रुपये तक चली जाती है। टॉप मॉडल की प्राइस 1,04,611 रुपये तक। एक्सम प्राइस है जिसकी ऑन प्राइस 1,22,139 रुपये तक चली जाती है। तो इसका जो प्राइस लिस्ट है थोड़ा सा लंबा आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, तो सभी का प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है, ये भी 125 सीसी में आती है लेकिन इंडियन मार्केट में 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा बेची भी जाती है और काफ़ी पॉपुलर भी है, जो कि सुजुकी कंपनी की एक्सेस 125 है। और इसमें भी कंपनी आपको कई सारे वेरिएंट देती है, कई सारे इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। 125 सीसी में ये भी आती है जो कि 8.7 पीएस का पावर और 10 एनएम का टॉर्जन करती है। साथ इसके फ्रंट में 12 इंच, रियर में 10 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसमें भी डिस्क और ड्रम ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी एलईडी हेडलैम्प सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एलईडी पोजीशन लैंप दिया गया है। इसमें भी फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है लेकिन इसके राइट कनेक्ट एडिशन मिलेगा। अगर आप इसका बेस मॉडल लेंगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग मीटर मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है। इसके साथ इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 21.8 का बूट स्पेस मिल जाएगा। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है। USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। फ्रंट में ग्लोव बॉक्स भी दिया गया है, तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 45 से 50 mpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे जो इसकी सीट की हाइट है 773 mm है। प्राइसिंग की बात करें तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। सबसे बेस वेरिएंट का जो एक्सम प्राइस है 79,899 यानी 79,899 रुपये तक इसकी एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 92,500 रुपये तक चली जाती है। वहीं इसका जो टॉप मॉडल है उसकी एक्सम प्राइस 90,500 यानी कि 90,500 रुपये तक है, और उसकी जो ऑन रोड प्राइस है 104,200 यानी कि 104,200 रुपये तक चली जाती है।
वहीं इस लिस्ट में जो सेकेंड नंबर पे है ये भी TVS कंपनी की आने वाली TVS जुपिटर है, जो कि 110 cc में आती है, 125 cc में आती है, लेकिन 110 cc ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें भी काफ़ी सारे आपको इसमें वेरिएंट मिल जाते हैं। 109 cc का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो कि 7.88 PS का पावर और 8.8 NM का टॉर्जन करती है। इसके फ्रंट और रियर में 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही इसमें LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट वेरिएंट में आपको हेलोजन लाइट मिलेगा। वहीं इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग मीटर कंसोल भी देखने को मिलता है। बेस मॉडल में एनालॉग मीटर मिलेगा, बाकी थोड़ा सा ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले भी ऑप्शनल मिल जाता है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। तो काफ़ी सारे अलग अलग इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जो वेरिएंट आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको मीटर कंसोल मिलेगा। इसमें भी आपको अंदर से स्टोरेज मिल जाती है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, USB चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है जो कि ऑप्शनल है। माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 50 के आसपास अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। वहीं इसकी जो सीट की हाइट है 765 mm है, तो प्लीजर प्लस की जितना यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं अलग अलग वेरिएंट में। सबसे बेस्ट वेरिएंट का जो एक्सम प्राइस है 73,340 यानी 73,340 रुपये तक है, जिसकी ऑनडो प्राइस 87,015 रुपये तक चली जाती है। वहीं इसका जो सबसे टॉप मॉडल है एक्सम प्राइस 89,748 यानी कि 89,748 रुपये तक है, जिसकी ऑनडो प्राइस 105,050 रुपये तक चली जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट का भी आपको अलग अलग यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। वह इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है, आप सभी ने गेस भी कर लिया होगा और आप सभी को इसका नाम भी पता है, जो कि होंडा कंपनी की आने वाली एक्टिवा है। एक्टिवा इंडियन मार्केट में हर किसी को किसी दूसरे स्कूटर्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन एक्टिवा के बारे में सभी को पता होता है, क्योंकि काफ़ी बेसिक से लुक के साथ आती है। बहुत थोड़ा सा इसमें अपडेट आते हैं, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेची जाती है। इसमें आपको लिमिटेड कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, लुक और डिजाइनिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल रखा गया है। 109 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता है, जो कि 7.84 PS का पावर और 8.90 NM का टॉर्जन करती है। इसके फ्रंट में 12 इंच और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर भी मिल जाता है। फीचर्स भी काफ़ी बेसिक से मिलते हैं। स्टैंडर्ड में हेलोजन लाइट, डिलक्स में LED लाइट मिलेगा, स्टैंडर्ड मॉडल में एनालॉग मीटर। इसके एच स्मार्ट वेरिएंट में आपको स्मार्ट की मिल जाता है, जिसके चार अलग अलग फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, तो काफ़ी बेसिक से फीचर्स मिलते हैं। माइलेज इसमें भी आपको 50 के आसपास आराम से मिल जाती है। बाकी इसकी सीट हाइट 765 mm है, जुपिटर की जितना यहाँ पे सीट की हाइट आप देखने को मिल जाती है। लेकिन जो प्राइसिंग है उसकी अगर बात करें तो बेस मॉडल का एक्सम प्राइस 76,234 यानी 76,234 रुपये तक है, जिसकी ऑनडो प्राइस 88,100 रुपीस तक चली जाती है। बाकी जो टॉप मॉडल है एक्सम प्राइस 82,234 यानी कि 82,234 रुपये तक है, जिसकी ऑनडो प्राइस 96,500 यानी 96,500 रुपये तक चली जाती है। तो यहाँ पे ये पांच वो स्कूटर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इनमें से कौन से स्कूटर आप यूज़ करते हैं या फिर आगे खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई दूसरा स्कूटर भी पसंद होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बेची जाती है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।